हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो गाइस, आज हमारे पास एक वीवो का फ़ोन है। तो फ्रेंड्स, हम रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फास्ट बूट मोड और ऑटो रिकवरी मोड पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आज हम देखने वाले हैं कि ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, या तो हमारे ये किसी बटन की प्रॉब्लम है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे गाइस, ये आपको किस तरह से डायग्नोस करना है गाइस, ये चीज़ देखो मैं आपको बता दूँ सिंपली। फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी फ़ोन हो जाएगा इसे, ये ऑटोमेटिक ही मतलब ऑन ऑफ होता जा रहा है। और जो इसमें एरर मतलब एरर क्या जो इसमें खुल रहा है, जो ऑप्शन वो आ रहा है हमारा, एक तो आ रहा है रिबूट का, एक आ रहा है रिकवरी ऑप्शन का। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम होती है ये वॉल्यूम अप की वजह से आती है, क्योंकि गाइस वॉल्यूम अप की वजह से ही डाटा रिकवरी में आता है फ़ोन। फास्ट बूट की प्रॉब्लम तो माइनस होती है वैसे, बट यहाँ पे डाटा रिकवरी का ऑप्शन दिखा रहा है, तो हमें एक बार इसे खोल लेने पैच इसके स्क्रूप सारे निकाल देंगे। और फ्रेंड, सबसे पहले हमें चेक करना रहेगा कि हमारा फ़ोन विदाउट बटन के ऑन होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को ओपन कर लेते हैं गाइस। मैंने ओपन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको लगे गाइस, बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि यार आपने इस ज़बरदस्ती प्रॉब्लम बनाई होगी या कुछ। तो फ्रेंड्स, मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ जो प्रॉब्लम कस्टमर मेरे पास लेके आता है, और मैं उसी की वीडियो आपके लिए बना के डालता हूँ। क्योंकि गाइस, अगर मैं खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। बट ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है फ़ोनों में, जो प्रॉब्लम्स फ़ोनों में आ सकती हैं हम उन्हीं का सोल्यूशन आपको दें, वही अच्छा है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। अब इसका जो बोर्ड है वो हमें फ्रेम से आउट करना है। तो यहाँ पे एक दो जो पैच होंगे गाइस, पैच आप ध्यान दे दें, वरना कभी आपने ज़बरदस्ती कर दी तो बोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये देखें, हमने फ्रेम इसके सारे स्क्रूप निकाल दिए हैं। अब फोन हमारा इस कंडीशन पे है अभी, तो हम इसका सारे फ्लैग्स अलग करेंगे पहले, ठीक है, और पहले बोर्ड को बाहर निकालेंगे। तो भाई, ये जो हमारा बोर्ड है ये बाहर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके दो फ्लैक्स लगाने हैं। एक तो हमें यह लगाना है, एक तो हमें डिस्प्ले का लगाना है, एक बैटरी का लगाना है। और अब हम इसे क्या करेंगे, ऑन। तो ऑन करने के लिए गाइस यहाँ पे देखें, आपको जो बटन दिखाई देंगे इन पे हमें दो बटन पे शॉर्ट करना है, जो हमारे पावर के बटन होंगे। गाइस, बैटरी का पत्ता निकल के आया, एक बार हम बैटरी को अलग करते हैं। और यहाँ पे देखो ये अलग ही पड़ा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है गाइस, तो इसमें तो आपको यही कंडीशन ज़्यादातर मिलेगी। तो अब मैंने बोर्ड फ्रेम से बिल्कुल अलग कर दिया है, बैटरी भी बिल्कुल अलग कर दी है। तो गाइस, अब मैं डिस्प्ले को ऐसे उल्टी कर देता हूँ, और देखो ठीक है, मैंने डिस्प्ले को ऐसे पकड़ लिया है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑन ऑफ है। ये वाला नहीं है, ये भी नहीं है। तो गाइस, अब हम क्या करेंगे, देखो जब हमें नहीं पता होता तो हम एक ग्राउंड करेंगे और एक करेंगे बटन पे, किसी भी पॉइंट पे, एक पे, ये नहीं है। अब दूसरे वाले पे करते हैं, दूसरे के साथ शॉर्ट करते हैं, शायद इससे हो जाए, ठीक है, ये भी नहीं है। तो अब बचा तीसरा हमारा, ये भी नहीं है, चौथा, ऐसा क्यों है, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, हो जाना चाहिए था अब तक। तो गाइस ये ऑन है, बट यहाँ पे क्या है, देखो ऑन ऑफ ये है इसका, ठीक है ना, मैंने करा ऑन ऑफ ये है इसका, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डाउन है, ठीक है, ये वाला ऑन ऑफ है हमारा, पहले नंबर वाला। तो आप जब भी कोई फ़ोन खोलते हैं Y91 वगैरह, तो ध्यान रखना ये जो पहले नंबर की पिन है, इसे ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे तो ये ऐसे, ठीक है। अब हम इसे फिलहाल देखो आप,
वॉल्यूम चला गया, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब मैं इसका वॉल्यूम बटन चेंज करता हूँ, उसके बाद चेक करूँगा जब तक इसे मैं चार्जिंग पे लगाऊँगा। एक बार मैं इसका वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम बटन होता है, इस पत्ते को बाहर निकालते हैं। ये किसी भी ब्लेड वगैरह से आप निकालें तो ज़्यादा बेटर है, फिर आसानी से निकल जाएगा। और सबसे पहले आप इसका ये जो है ये यहाँ से अलग कर लें, वरना आप वो पत्ता खींचेंगे, पता लगा ये कट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। अब देखें आप इसे आराम से खींच लें, ये निकल गया है। अब मैं थोड़ी देर को फ़ोन लगा देता हूँ चार्जिंग पे, जब तक मैं इसका बटन चेंज करता हूँ, फ़ोन हमारा थोड़ी देर के लिए चार्ज हो जाएगा। क्योंकि ये डाउन है तो थोड़ी देर चार्जिंग पे लगा देते हैं, चार्ज हो जाएगा जब तक कि हम इसका बटन चेंज करेंगे। ठीक है गाइस, ये चार्ज हो रहा है। और अब हम जब तक इसका बटन चेंज कर रहे हैं, तो गाइस जैसे कि देखें आप, मैं यहाँ पे बटन चेंज करता हूँ इसका, तो इसका हम वॉल्यूम अप वाला बटन चेंज करेंगे, जो कि हमारा वॉल्यूम प्लस का बटन होता है, सिर्फ उसे ही चेंज करेंगे। तो गाइस इस तरह की ये टिकली आती है, और इसमें से हम दो पिन वाली जो हमारी टिकली है, अगर आपके में चार पिन होती है तो चार पिन आप लगा सकते हैं, बट गाइस दो पिन आप पहले चेक कर लें कि दो पिन है या चार पिन है, क्योंकि चार पिन वाली भी आपको देखने में, दो पिन वाली भी आपको देखने में बहुत सी बार चार पिन लगती है, तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सी बार देखा है कि चार पिन वाली ज़्यादातर ओप्पो में आती है, वीवो में नहीं। तो मैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, बहुत ही आसानी से कहीं से लग जाती है यहाँ पे, और इसे लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये आपको ये ध्यान करके लगानी है कि ये हमारी गले ना, ठीक है, बहुत ही प्यार से लग जाएगी है, हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो बटन है, ये बटन है जो मैंने इसमें लगा दिया है, ठीक है, तो देखो मैंने इसमें लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें फ़ोन में सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोन हमारा जो है वो ऑन होता है या नहीं होता है। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि गाइस देखो पूरी बात बताना ज़रूरी होता है, अगर मैं आपको आधी अधूरी बात बता दूँ बिना किए, तो उसमें आप ना तो कुछ समझ पाएंगे ना ही। तो गाइस ये देखो डिस्प्ले का पत्ता बहुत ही प्यार से लगाना है, ये निकल गया इसका, अगर मैं नहीं चिपकाऊंगा तो पत्ता ख़राब हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इसे निकालूंगा ही नहीं, अब फिक्स ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि इस मार्केट में डली हुई जो डिस्प्ले होती है उनका ये बहुत नाजुक लगा हुआ होता है, तो अब हम इसे नहीं निकालेंगे डिस्प्ले के फ्लैक्स को, और हम इसे पैक भी कर देंगे।
तो गाइस हमने ये पैक कर दिया। एक जो पैंच हमारा यहाँ पे था नीचे, इस पैंच को हम लगा लेंगे ताकि हमारा जो बोर्ड है वो इधर उधर हिले ना। अब फ्रेंड्स अब देखो हम यहाँ पे अपना बैटरी लगाते हैं और अब चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ोन है इतना तो चार्ज हो गया होगा शायद थोड़ा बहुत। तो आप देखें ऑटोमेटिक फ़िलहाल ऑन हो गया है, तो यहाँ पे शायद ये बटन भी मुझे चेंज करना पड़ सकता है क्योंकि ये ऑटो ऑन हो गया है, शायद ये बटन भी इसका ख़राब है। थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी जो वो वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम तो अब नहीं आ रही है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम थी अभी यहाँ पे ऑटो रिकवरी वाली, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, बस इसमें अभी यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, मैंने नहीं किया है अभी तो नहीं हुआ, शायद ये बटन थोड़ा फास्टली काम कर रहा है। तो एक बार हम दोबारा से दिखाएंगे। दबाते हैं बटन को, तो ठीक है गाइस हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। गाइस अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है तो सबसे पहले अगर ऑटो रिकवरी में जाता है तो आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम प्लस वाला बटन जो है आपको चेंज करना है। अगर आपके पास एमआई का फ़ोन आता है फास्ट बूट में जाता है तो आपको वॉल्यूम डाउन, गाइस ये चीज़ आप ध्यान रखें कि वॉल्यूम डाउन एमआई में होता है फास्ट बूट के लिए, और इसमें जो है हमारा इससे फास्ट बूट ऑटो रिकवरी का प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या, बस ये बटन आपको चेंज करना, चाहे तो आप पूरा फ्लैक्स भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है गाइस हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।